चुके हैं यहाँ पे, अब हमारे 3 से 4 डोनेशंस हो चुके हैं यहाँ पे। अभी हमारा लंच ब्रेक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की बहुत सारी खासियत ये बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये इनकी शिविर लगी हुई है जहाँ पे फ्री इनका ब्लड ग्रुप देखा जाता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, कितना आपका हीमोग्लोबिन लेवल है, 12.5 से ज़्यादा ग्राम है या फिर कम है, ये हम आपको बता सकते हैं। और खून रक्तदान करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज के तहत पे, क्योंकि आपको एक तो कोलेस्ट्रॉल, जो जिनको बहुत ज़्यादा हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, जिनको कैंसर हो सकता है, जिनकी बीपी बहुत बढ़ी हुई है, वो सारी चीज़ों को ये कम करते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स हैं आज के ज़माने में, वो अगर आप रक्तदान करते हैं तो ये आपके चांसेस बहुत ही कम होंगे कि आपको कैंसर हो, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो और आपकी ब्लड प्रेशर कम हो, ये सारी चीज़ों पर बहुत ही बेनिफिशियल है। ब्लड डोनेशन से फ्री क्या आप लोग टेस्ट करते हैं? हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, आपका कितना हीमोग्लोबिन लेवल है ये हम बताते हैं, आपका कितना ब्लड ग्रुप लेवल है वो हम बताएंगे, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, आप ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें रेयर एंटीजेंस भी होते हैं जिससे हम पता करके आपको बता सकते हैं कि आपका कौन सा ब्लड ये है, ब्लड ग्रुप है। मैम आप लोग कहाँ से आए हो? और मैं डॉक्टर तान्या हूँ, मैं डॉक्टर तान्या रक्षित हूँ, मैं कर्नाटका से आई हूँ, बैंगलोर से आई हूँ मैं, और मैंने बाहर पे भी, नेपाल पे भी बहुत जगहों पे काम किया हुआ है, और अभी मैं मेदांता पे हूँ एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर। इस तरह के शिविर से लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आती है इन सारी चीज़ों से कि हमारे यहाँ जैसे कैंप लगते हैं, तो ये जो कैंप लगते हैं इस पर हम आपको बता सकते हैं कि किसी को भी खून की ज़रूरत होती है तो ये एक जगह है जो रांची, रामगढ़ और ओरमांझी पे ये स्थित है, जैसे मेदांता हॉस्पिटल, उस पर हमारा ये ब्लड बैंक है जिस पर हम लोग, एक तो हम बहुत तरह के, या फिर आप रक्तदान अपने से करने आ सकते हैं, या फिर आपके किसी भी पेशेंट के पार्टी को जो एडमिट है मेदांता हॉस्पिटल, उनको खून की ज़रूरत है तो वो कृपया करके आए, ब्लड बैंक पे मेदांता में ही है, और यहाँ पे आपको हर तरह के ब्लड ग्रुप्स, जो भी आपकी ब्लड ग्रुप है वो पहले जांचा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। तो ब्लड लेने के लिए उनको क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? बहुत सारे प्रोसेस हैं यहाँ पे, आपको पहले तो हमें रिक्विजिशन फॉर्म है, डोनर रिक्विजिशन फॉर्म, डोनर का मतलब होता है जो यहाँ पे आके खून देते हैं, रक्तदान करते हैं, और वो वो पेशेंट जो उनके एडमिट हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है और जो डोनर के ब्लड ग्रुप है वो मैच करने चाहिए, उसके बाद हम वो रिप्लेसमेंट करते हैं। और दूसरा ये होता है यहाँ पे कि आपका, अगर आपको ऐसे भी वॉलंटरी आके, आगे आके आपको किसी की मदद करने की भी इच्छा है तो वो आप डेफिनेटली आ सकते हैं हमारे ब्लड बैंक पे और आप रक्तदान कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा है यहाँ पे लोगों को, अवेयरनेस यहाँ पे, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे झारखंड पे, कि हमारे बहुत ही कम ब्लड डोनेशन यहाँ पे होती हैं, कैंप्स होती हैं बहुत कम जगह पे, जैसे रामगढ़ में कोई ब्लड बैंक ऐसा मैंने नहीं देखा है, एक आर्ची ब्लड बैंक है और एक झासर का जो ब्लड बैंक है वही हमें पता है अभी तक तो। और ये स्थित है कि अब 3 जो भी झारखंड के मेजर सिटीज़ हैं, जैसे रांची कैपिटल है तो हमारे बहुत सारे ब्रांचेज हैं यहाँ पे, रामप्यारी हॉस्पिटल पे है, राज हॉस्पिटल पे है, सेवा सदन ब्लड बैंक है वहाँ पे, सेवा सदन हॉस्पिटल पे है, तो हमारे बहुत सारे ब्रांचेस अभी आ भी रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, तो वो हम डेफिनेटली आप लोग तक पहुँचाएँगे, बट अभी के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग आगे आइए और रक्तदान कीजिए, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। मैं डॉक्टर तान्या रक्षित हूँ और मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं अभी फ़िलहाल मेडिकल ऑफिसर हूँ मेदांता ब्लड बैंक पे, और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि आप लोग प्लीज़ आगे आइए और लोगों की जान बचाइए, आपका एक खून, एक यूनिट खून देना किसी की ज़िंदगी बचा सकता है।